शनिवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच बड़ा हादसा हुआ। एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गई। मिराज में एक और सुखोई में दो पायलट सवार थे। इनमें से एक पायलट की मौत हो गई है। अभी ये साफ नहीं है कि यह पायलट किस एयरक्राफ्ट का था। हालांकि एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि नहीं की है। एयरफोर्स ने बताया कि दोनों ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। एक पायलट की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक टकराने के बाद दोनों विमानों के दो अलग अलग जगहों पर गिरने की आशंका है। एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गंज में और दूसरे के राजस्थान के भरतपुर के पंपोरा में गिरने की बात कही जा रही है। सूचना के अनुसार मुरैना में मिराज और भरतपुर में सुखोई गिरा है। पहले मुरैना में सुखोई और भरतपुर में मिराज गिरने की बात कही जा रही थी। हादसे में क्रैश हुए दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। मुरैना SP आशुतोष बागरे ने बताया कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के दो विमानों ने टेक ऑफ करने की जानकारी मिली थी। इनमें से एक पहाड़गंज में क्रैश हुआ है। हम दूसरे विमान की सर्चिंग कर रहे हैं। उधर मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना का दावा है कि दो पायलट को बचा लिया गया है।